अघोषित बिजली कटौती के विरोध को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू ने हाल बेहाल कर दिया है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण दोपहर 12 बजने के साथ ही बाजार सूने और चौक चौबारे वीरान हो गए हैं। मकान की छतों पर रखी टंकियों का पानी सुबह होने के साथ ही उबलने लगा है। देर शाम तक लू का असर बना है। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से निकल रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी में बिजली संकट के बीच में कटौती के साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित कटौती भी शुरू हो गई। इसके विरोध को लेकर प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर भाजपाइयों ने ढीग में राज्यपाल के नाम बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि एक ओर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जहां आमजन का जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं गर्मी में बिजली कटौती से आमजन परेशान है। छात्र छात्राओं की परीक्षाएं चल रही है, जहां परीक्षार्थियों को पढ़ाई बाधित करनी पड़ रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तख्तियां लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी शहर मंडल डीग द्वारा प्रदेश नेतृत्व के और जिलाध्यक्ष जी के आह्वान पर कांग्रेस की सरकार द्वारा जो अपने घोषणा पत्र में कहा गया था कि जनता को 24 घंटे बिजली देंगे व बिजली की दरों को कम करेंगे, उस घोषणा पत्र के खिलाफ कार्य करते हुए जनता को घबरा करते हुए आज बिजली की कटौती की जा रही है पूरे राजस्थान में और अघोषित कटौती की जा रही है। आज परीक्षार्थियों का परीक्षा का समय चल रहा है और जनता भीषण गर्मी से त्रस्त है। इसलिए जनता ने विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज विरोध स्वरूप पूरे राजस्थान में बिजली घर के समक्ष धरना का प्रदर्शन किया गया है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर डी मंडल के सभी पदाधिकारी, मोर्चे के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष उपस्थित रहे और सभी ने एक महिला मोर्चा और पार्षदगण उपस्थित रहे और सभी ने पुरजोर से कांग्रेस सरकार